नागपुर जिले के मौदा तालुका के जुन्नर गांव में मंगलवार को तड़के 3 बजे एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। तड़के 3 बजे नागपुर जिले के मौदा तालुका के जुन्नर गांव में एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। श्रेची ब्लॉक नाम की एक निजी कंपनी बड़ी सीमेंट बीट बनाती है और इसकी फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है और 6 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नागपुर ले जाया गया है। मृतक का नाम नंद किशोर करांडे बताया जा रहा है। धमाका इतना तेज था कि पूरी फैक्ट्री ध्वस्त हो गई है। कंपनी प्रशासनाने मृतकाच्या परिवाराला 30 लाखाची मदत केलेली आहे। महाराष्ट्र शासनाला माझी विनंती राहील की मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून त्यांना सुद्धा एक आर्थिक मदत देण्याची विनंती शासनाला मी या माध्यमातून करतो। गेल्या 10 वर्षापासून या भागामध्ये एक छोटंसं युनिट श्रीजी ब्लॉक या नावाने सुरू होतं आणि आजूबाजूच्या परिसरातील फार गरीब वर्गातील लोक, मजूर वर्ग या ठिकाणी काम करायचा। अचानक रात्री 3:30 वाजता हा स्फोट झाला आणि टेक्निकल कारण तर कंपनीवालेच सांगतील, परंतु स्फोट एवढा भीषण होता की ते मिसाईलसारखं त्याचे पार्ट जे 2-3 किलोमीटरपर्यंत जाऊन उडाले आहे, जीवितहानी झाली आहे। या ठिकाणी नंदकिशोर करंडे नावाचे व्यक्ती, ते या झुल्लर गावचे, आमच्या गावचे ते जावई होते, ते मरण पावले आहे। लहान लहान त्यांना मुलं आहे, 7 लोक ऍडमिट आहे। त्यांच्या सर्व परिवाराला आणि मृतकाला संपूर्ण मदत व्हावी या ठिकाणी आम्ही सर्व सन्मान्य देणे नागपूरला पाठवलेली आहे। उर्वरित लोकांना त्यांना चांगला ट्रीटमेंट मिळावं यासाठी सुद्धा आमचा प्रयत्न आहे। काही ज्या बकऱ्या जनावरं मरण पावले त्यांना सुद्धा मदत मिळावी असा एक मानस धरून या ठिकाणी मी बसलेलो आहे सकाळपासून। या ठिकाणी एवढंच सांगायचं आहे की आज जे छोट्या छोट्या कंपन्या येऊन येतात, तर याकडे टेक्निकल जे काही असतं, बॉयलर इन्स्पेक्शन वगैरे, ह्या सर्व ज्या टेक्निकल इन्स्पेक्शन असतात ते करून घेतलं पाहिजे, एवढंच या ठिकाणी सांगतो। NBC न्यूज के लिए मौदा से अचल तिजारी की रिपोर्ट।